नमस्कार दोस्तों, VNM सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नैनीताल बैंक का कैश विड्रॉल फॉर्म कैसे भरा जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपनी ब्रांच डाल देनी होगी। जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पे लिख देंगे। अभी मैं आगरा फिल कर रहा हूँ। ब्रांच डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेट डालनी होगी, जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस दिन की डेट यहां पे आ जाएगी। अब डेट डालने के बाद दोस्तों आपको जितनी राशि विड्रॉल करनी है वो यहां पे फिल कर देंगे। तो मैं अभी यहां पे 40,000 भर दे रहा हूं। आपको जितनी राशि विड्रॉल करनी हो वो आप फिल कर दीजिएगा। यहां पे वर्ड्स में लिख देंगे सेम राशि को, तो अभी मैं लिख देता हूं 40,000 ओनली, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे ताकि कोई राशि को चेंज न कर सके। अब यहाँ पे विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट ऑफ, यानी यहाँ पे खाता धारक का नाम आएगा। जो भी आपका बैंक में अकाउंट है, अकाउंट में नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो भी नैनीताल बैंक का खाता संख्या है यहाँ पे लिख देंगे। तो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे अपने जो भी आपके खाते में सिग्नेचर हैं वो यहाँ पे कर देंगे। सिग्नेचर वही करने जो आपके खाते में हैं, ये खाते से मैच होने चाहिए। अब इसकी बैक साइड में भी दो साइन कर देंगे दोस्तों, क्योंकि बैंक वाले हमेशा दो साइन मांगते हैं कैश विड्रॉल के केस में। दो साइन करने के बाद इस पर्ची को पासबुक के साथ बैंक कैशियर को देना है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है इस पर्ची के साथ पासबुक होना आवश्यक है। तो पासबुक के साथ कैशियर को दे देंगे। कैशियर इस स्लिप को चेक करेगा और आपको 40,000 रुपये का भुगतान कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।